नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिनी USB फ़ैन के बारे में। तो एक छोटा सा पंखा होता है, मोबाइल में लगा के चलाया जाता है, लेकिन होता क्या है, कुछ मोबाइल में पंखा नहीं चलता है, क्या समस्या हो जाती है और वो पंखा नहीं चल पाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसे कैसे चलाया जा सकता है के बारे में आज हम आपको बताएँगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकान को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक USB फ़ैन है, मिनी USB फ़ैन इस पर लिखा हुआ भी है। और ये फ़ैन जो है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। तो इसमें मैंने देखिए मोटर मैंने निकाल ली है और इसके बाद यहाँ पे ये पंखुड़ियाँ हैं जिन्हें पर बोलते हैं, तो ये अलग से आते हैं, तो ये निकाल लिए हैं। उसके बाद जो ये मोटर है इसकी सॉफ्ट में इसे इस तरीके से लगा देना है और उसे जो है घुमा के एक बार देख लेना है। तो ये देखिए मैंने घुमा के देखा, ये घूम रहा है अच्छी तरीके से। अब ये हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल है, तो इसमें हम लगाएँगे तो ये पंखा हमारा चलना चाहिए। तो चलिए इसमें लगा लेते हैं। तो इसका जैक थोड़ा उल्टा है, उल्टा करके लगाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पंखे को इस तरीके से लगा दिया, लेकिन ये पंखा नहीं चला। तो इसमें क्या समस्या हो सकती है वो अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसको पंखे को थोड़ा सा यहाँ पे हिलाया तब भी नहीं चला। कुछ लोग समझते हैं ये पंखा ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है, पंखा ख़राब नहीं होता है, ये पंखा बिल्कुल सही होता है। ये क्यों नहीं चल पाता है, यहाँ पे इसे हम निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है। तो यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे के लिए थोड़ा जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है एडिशनल सेटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं OTG कनेक्शन। तो ये OTG कनेक्शन को ऑन करना है। जब आप OTG कनेक्शन ऑन कर देंगे तभी ये पंखा चलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। अब इस पंखे को इसमें लगाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है, ये पंखा हमारा चलने लगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पंखा चल रहा है। तो ये OTG कनेक्शन अगर ऑफ होगा तो ये आप किसी भी मोबाइल में लगाएंगे कार्य नहीं करेगा, पंखा नहीं चलेगा। OTG कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा तब ये पंखा चलेगा। तो देखिए मैंने निकाल लिया है। अब चलिए दोबारा से लगाते हैं। देखिए दोबारा लगाया, फिर हमारा पंखा जो है चलने लगा है। तो आप किसी भी मोबाइल में इसे लगा के आसानी से चला सकते हैं, लेकिन बस बात यही है OTG कनेक्शन को जो है ऑन करना है, वो अगर ऑफ रहेगा तो ये पंखा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से पंखा जो है कार्य करता है। आप जो इससे हवा का आनंद ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य करता है और बहुत ही अच्छी हवा आती है। तो चलिए हम इसे कनेक्शन को जो OTG कनेक्शन है उसे ऑफ करके देखते हैं दोबारा से। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में गए, उसके बाद जो है OTG कनेक्शन में गए, इसको मैंने ऑफ कर दिया। तो अब यहाँ पे पंखे को दोबारा लगाते हैं, मिनी USB फ़ैन जो है इसे दोबारा लगा के देखते हैं। देखिए मैंने आप लगा दिया, पंखा जो है नहीं चला क्योंकि OTG कनेक्शन ऑफ हो गया। OTG कनेक्शन ऑफ होगा तो इसे सप्लाई नहीं मिल पाएगी, करंट नहीं मिलेगा, ये पंखा नहीं चलेगा। और OTG कनेक्शन ऑन करेंगे तो ये पंखा कार्य करने लगेगा। तो इसका आप ध्यान रखें और उसके बाद ही इसे जो है चलाएं। तो पंखे में कोई कमी नहीं होती, पंखा बिल्कुल सही होता है। बस यहाँ पे OTG कनेक्शन ऑन ऑफ की ही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैंने ऑन किया और फिर ये चलने लगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।